के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाइबिट एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करके डेली का $100 से लेकर 200-300 डॉलर अर्निंग कैसे करें, आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या फिर बाइबिट एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग करने के मामले में नए हैं तो मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा भाई, कोई आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा और आप लोग अच्छे से सीख करके समझ करके आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कैसे करना, क्या उसका प्रोसेस, पूरा आप लोग को लाइव और डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग के जानकारी या फिर समझने के लिए ही बता रहा हूं, तो भाई आप लोगों को देखना समझना पड़ेगा, ओके। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी कॉल पर क्लिक करके, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, उससे पहले आप लोग के पास में बाइबिट एक्सचेंज होना चाहिए, जिन लोगों के पास में नहीं होगा, वैसे तो सभी लोग के पास में होगा, जिनको पास में नहीं होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर प्रोफाइल सेक्शन पर आकर के आप लोग जाकर के वहाँ पर KYC अपना जो है लेवल 1 वेरीफाई कर लेंगे, इससे क्या होगा ट्रेडिंग करने और फंड विड्रॉल डिपॉजिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में समझें तो आप लोग को मैं उदाहरण के तौर पे मैं समझाना और बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए स्पॉट और फ्यूचर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्पॉट के बारे में अगर बताऊँ, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास में $10 है। अब $10 अगर है तो अगर मेरे को ट्रेडिंग करना है तो या तो मैं $10 से कम वैल्यू का कोई भी टोकन बाई कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी टोकन बाई करता हूँ तो या तो $10 से कम का $4-5 का कोई भी टोकन बाई कर लूँ या फिर $10 का। इससे अगर ज़्यादा का मेरे को बाई करना होगा कोई टोकन तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास $10 है और मैं यहाँ पर $40 का मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करूँ, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा स्पॉट ट्रेडिंग में, ओके। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपका यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है बहुत ही कम हो जाता है स्पॉट ट्रेडिंग में। अगर कोई भी आपने टोकन बाई करा है, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तब आपका लॉस होगा, या फिर उसकी वैल्यू अगर डाउन भी होती है, कम होती है, जब तक आप उसे सेल नहीं करेंगे तब तक उसमें आप लोग का नुकसान नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब अलग होती बात। और यहाँ पे अगर वही अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास $10 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं $5 का भी ट्रेडिंग ले सकता हूँ, $10 का भी ले सकता हूँ, अब $40 का भी ले सकता हूँ, $100 का भी ले सकता हूँ। इसमें क्या होता ना, हम लोग को एक्सचेंज की तरफ से लेवरेज मिलता है हमारे बिहेव हमारे बैलेंस के हिसाब से, जो एक्सचेंज हमको प्रोवाइड करता है जो है लेवरेज करता है कि भाई अगर आप लोग के पास में $10 है तो आप लोग $100 वर्थ का भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हो, अब प्रॉफिट जो होगा या लॉस होगा वो आपका होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती है और यहाँ पे भाई रिस्क फैक्टर भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी आप लेवरेज लेंगे उसके बिहाफ पे आपका ट्रेडिंग होगा तो उसके हिसाब से आपका लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस होता है, और भाई हो सकता है आपका फंड पूरा थोड़े ही टाइम में ख़त्म हो जाए। तो ये सभी चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को करके दिखाने बताने वाला हूँ तो आप लोग समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास में होना चाहिए फंड, ठीक है। अब फंड कैसे डिपॉजिट करेंगे, या तो आप लोग इसी एक्सचेंज से P2P करें, जिसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। P2P भी करें तो आप लोग भाई ट्रस्टेड सेलर से करें, ये नहीं कि कोई एरू गैरू से कर ले जिससे कि आप लोग का बैंक अकाउंट या फिर भाई आप लोग को पेमेंट दे ले, आप लोग को पेमेंट ही ना करें। तो इन सभी से ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहा है अभी समय मार्केट में P2P से संबंधित, तो उनसे आप लोग बच कर रहिए, जो ट्रस्टेड सेलर हो उससे ही आप लोग बाई करें। अब नेक्स्ट में आप लोग जो है किसी भी एक्सचेंज पे आप लोग का फंड पड़ा है वहाँ से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का सिंपल सा फंडा है, एसेट पे आएंगे, उसके बाद फिर फंडिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग ऊपर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जो भी करेंसी आप लोग को डिपॉजिट करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ USDT कर रहा है तो USDT को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी नेटवर्क पर डिपॉजिट करना है वो नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे जो एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पे आप लोग यहाँ पे कहीं से भी USDT या फिर कोई भी करेंसी जो भी करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर लेंगे। अब जैसे आप लोग के पास में फंड आ जाता है तो आप लोग का जो भी फंड रहेगा वो आप लोग का फंडिंग वॉलेट पर रहेगा, उसे सेंड करना पड़ेगा यूनिफी ट्रेडिंग में, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर में तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे नीचे या फिर ऊपर भी देख जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आप लोग को फंडिंग करना है, नीचे यूनिफी करना, जो भी फंड है उसे सिलेक्ट करना, उसके बाद फिर यहाँ पे मैक्स करके आप लोग कन्फर्म करेंगे तो आप लोग का जो भी फंड रहेगा आप लोग का यूनिफी ट्रेडिंग में आ जाएगा। अब जैसे मैं जो भी फंड रहेगा फंडिंग से यूनिफी पे आ जाएगा, जैसे मेरे पास में अभी $18 पड़े हैं तो मैं $18 का ही ट्रेडिंग करने वाला हूं, बाकी मैंने बता दिया कैसे आप लोगों को ट्रांसफर करना। अब ट्रेडिंग करने के लिए देखिए जैसे बहुत सारे एक्सचेंज में फ्यूचर या फिर और भी ऑप्शन दिए होते हैं, बट यहां पे जो है यहां पे जो ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का वो डेरिवेटिव यहां पे ऑप्शन दिया गया है, तो डेरिवेटिव में जाकर के हमको यहां पे ट्रेडिंग करना होगा। अब जैसे मैं डेरिवेटिव में क्लिक करता हूं तो यहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं बारी बारी से बताता चला जा रहा हूं, आप लोग यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे ऊपर देखेंगे यहां पे परपेचुअल यहां पे फ्यूचर ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहां पे परपेचुअल यहां पे करने वाले हैं, इसमें ही फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं, इसके अलावा जो यहां पे दो ऑप्शन है
इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ट्रेड पे क्लिक करके हमको यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना होता है, किस पेयर में हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, तो वो आप लोग यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर आ जाएंगे, ऊपर सर्च करके भी आप लोग यहाँ पे जो पेयर है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो किसी भी पेयर में कर सकते हैं। देखिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को कोई भी टोकन प्रेडिक्ट आप कर पाते हो या फिर पता चलता है कि ये टोकन ऊपर जाने वाला है, मार्केट अगर ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है, या फिर वो टोकन आप लोग का जो भी टोकन सेलेक्ट करने वाले हैं वो टोकन ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, अगर ये समझ पाते हैं या फिर ये पता आप लोग को है, तो भी आप लोग अच्छा से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो जैसे मैं कोई भी टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, या तो मैं यहाँ पे बहुत सारे टोकन मिल जा रहे हैं, मैं BNB ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये मिल जाएगा, मार्जिन मोड मिल जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगा। मार्जिन मोड को अगर अच्छे से समझे तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के मार्जिन मोड मिलेंगे, एक आइसोलेट मिलेगा, एक यहाँ पे क्रॉस मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्जिन, इसको छोड़ते हैं, दो ही मेन आप लोग यहाँ पे दोनों को समझिएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। अब आइसोलेटेड मार्जिन का मतलब ये होता है, जैसे मान लेता हूँ कि आपने क्या किया, ट्रेडिंग करने के लिए यूनिफाइड अकाउंट में $100 आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद फिर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने $20 का आपने ट्रेड ओपन करा, ठीक है, $20 का आपने ट्रेड ओपन करा, तो यहाँ से देखिए आप लोग का यहाँ पे तो आप लोग का $80 तो बच ही जाएगा, आप यहाँ पे $20 बस सिर्फ लगा है, ठीक है। अब जैसे आप लोग का प्रॉफिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुकसान होता है या फिर लॉस होता है, और वहीं पे आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडेट होता है या फिर ख़त्म हो जाता है, पूरा लॉस में चला जाता है, तो आपका जो नुकसान यहाँ पे होगा ना, वो टोटल वो होगा यहाँ पे $20 ही सिर्फ होगा, आइसोलेटेड की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आइसोलेटेड सेलेक्ट करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे क्रॉस मार्जिन की, क्रॉस मार्जिन में अगर आप लोग के पास में $100 है और यहाँ पे आपने $20 वर्थ का आप लोगों ने ट्रेड ओपन करा, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे लॉस होता है भाई, या फिर लिक्विडेट हो जाता है आपका टोकन या फिर आपका ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को $20 आप लोग का लॉस तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो $80 यहाँ पे आप लोग के वॉलेट में बचे हैं ना, ये भी आप लोग का पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने आइसोलेटेड में जो भी फंड रखा है, जितना भी फंड पड़ा है, जिस टोकन के पेयर में, जैसे USDT के पेयर में आप कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई रहेगा तो उसमें नहीं होगा, लेकिन USDT के पेयर में जितने भी आपका USDT पड़ा रहेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में यही अंतर होता है, जिसमें आपको समझ में आता है अब उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर नए हैं तो आप लोग आइसोलेटर को ही सेलेक्ट करके इसमें ट्रेड करिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे लेवरेज। लेवरेज पे ये होता है ना कि अगर आप लोगों ने जितना भी डॉलर लगाते हैं उसका मतलब उतना गुना, जैसे कि अगर आप लोगों के पास में $10 है और यहाँ पे आपने 2x का लेवरेज लिया, 2x का लेवरेज लेते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, आपका 10 का दूना हो जाएगा, मतलब कि $20 का आप लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओके, तो ये मतलब अपने घर से वो नहीं करता, तो यहाँ पे ये है। और जब मान लीजिएगा आप लोग में $10 का आप यहाँ पे ट्रेड लगा रहे हैं और आपने क्या किया, 10x का लेवरेज ले लिया, तो यहाँ पे आपका टोटल जो वैल्यू बन जाएगा ना, आप लोग का $100 वर्थ बन जाएगा, इतना डॉलर का आप यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिए, लेवरेज जितना ज़्यादा लेते हैं भाई उतना प्रॉफिट होने का भी चांस होता है और लॉस होने का भी चांस होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में अगर आप नए हैं ना, तो आप लोग यहां पे 5x या फिर 7x या फिर 10x का ही लेवरेज लेकर के आप लोग यहां पे ट्रेड स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहां मैं ओके करता हूं, सेव करता हूं। अब यहां पे मार्केट या फिर जो है यहां पे लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। मार्केट का मतलब यह होता है कि जो अभी समय प्राइस चल रहा है ना, उसी प्राइस पे आपका बाई और सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ मार्केट करूँगा तो जो 649.80 चल रहा ना, इसी प्राइस पे हमारा जो यहाँ पे ट्रेड है वो ओपन हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं लिमिट करता हूँ ना, अभी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे लिमिट मार्केट ज़्यादा मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, आप उसको ही समझिए बस। अगर लिमिट में करता हूँ ना, तो यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करने का दिया जाएगा किस प्राइस पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 649.55 चल रहा है ना, अब यहाँ पे मैं 649 करता हूँ, अगर 649 करता हूँ और यहाँ पे ट्रेड अगर ओपन करता हूँ, तो जब यहाँ पे 649 या फिर उससे कम आएगा तभी हमारा ट्रेड ओपन होगा, उससे अगर ज़्यादा जाता है तो हमारा ट्रेड जो है वो ओपन नहीं होगा। जो प्राइस दिया है उसी प्राइस, जब जैसे वो प्राइस आएगा तभी यहाँ पे जो ट्रेड है वो ओपन होगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब अच्छा रहता है, ठीक। तो मैं आप लोगों को मार्केट पे करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं जल्दी समझा पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास $18 है, मैं यहाँ पे कुछ डॉलर वर्थ का यहाँ पे ट्रेड ओपन करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, एक तो बाई लॉन्ग मिल जाता है, एक सेल शॉर्ट मिलता है। तो दोनों का भी अर्थ आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे बाई लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जैसे अभी समय में $649 अभी समय चल रहा है प्राइस, अब अगर आपको लगता है कि ये
50 जाएगा या फिर 652 जाएगा प्राइस, तो आप लोग क्या करेंगे, बाई लॉन्ग कर देंगे। जैसे बाई लॉन्ग कर देंगे, जैसे ऊपर मार्केट जाने लगेगा भाई, आप लोग का प्रॉफिट होने लगेगा, ओके। तो और बाकी अगर नीचे आने लगता है भाई, विपरीत आने लगता है, तो आपका लॉस होने लगेगा, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसी जगह में यहाँ पे अगर सेल शॉर्ट की बात करें, तो सेल शॉर्ट पे क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 649 अभी समय प्राइस चल रहा है। अब मैं अगर इसी समय मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेल शॉर्ट कर लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे, अभी सेल शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है डॉलर इतने अमाउंट पे हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। जैसे ही ये प्राइस नीचे जाएगा, मैं क्या करूँगा, उसको क्लोज कर दूंगा, ऑर्डर क्लोज कर दूंगा, तो हमारा कम जो है डॉलर पे, कम प्राइस पे हमारा जो है जो ऑर्डर है वो मतलब क्लोज होगा। तो इससे क्या होगा कि जितना उसके बीच में गैपिंग रहेगा, उतना डिफरेंट का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे हम यहाँ पे सेल भी कर पा रहे हैं। इस टाइप से सेल करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं ट्रेड ओपन करने का। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, बाई लॉन्ग पे मैं क्लिक करता हूँ, कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.7% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 0.1 जो है डॉलर में यहाँ पे दिखा रहा है। और हमने कितना लेवरेज लिया है, 5x का लेवरेज लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन साइज क्या है, कितना यहाँ पे पोजीशन हमारा दिखा रहा है, और यहाँ पे एंट्री प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, और लिक्विडेशन क्या है। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है ना कि जो यहाँ लिक्विडेशन दिखा रहा है 527 पॉइंट यहाँ पे 15 दिखा रहा है, अगर इतने प्राइस पर अगर यहाँ पे ये वैल्यू आती है ना, तो फिर ऑटोमेटिक ये ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा, और जितना भी फंड आपने लगाया है वो यहाँ पे पानी में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो शेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का इस टाइप से देखा जा सकता है, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा सेट TPSL। इसका मतलब ये होता है कि आप टारगेट प्राइस और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कितना का यहाँ पे मैंने 650 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर ये वाला प्राइस में डालता हूँ ना, तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट होता है। मतलब कि अब जितना यहाँ पे सेट करना होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप प्राइस सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो आपका ऑर्डर है वो क्लोज हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे 650 मैंने करा था, तो अगर मैं 651 कर दूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा भाई, इतना प्रॉफिट होगा यहाँ पे इतना। अगर यहाँ पे 653 कर दूंगा तो हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना, तो जैसे ही इतना प्राइस जाएगा, ऑर्डर ऑटोमेटिक हमारा कट हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, और जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो हमारे वॉल्ट में चला आएगा। और उसी टाइप से यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। अगर मैं यहाँ पे 650 में मैंने लिया है, 649 या फिर 48 जाएगा, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे इतना लॉस होगा। तो यहाँ पे इसका सेट करने का मतलब ये है, जैसे 648 पे प्राइस आएगा, ऑटोमेटिक हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा, और जितना भी हमारा यहाँ पे लॉस में दिखा रहा है उतना हमारा लॉस में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यही होता है कि जैसे अगर आप नए में हैं, तो भाई यहाँ पे अपने प्राइस सेट कर दिया, आप कहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी प्राइस सेट किए रहेंगे उतने प्राइस पे जो है आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडेट हो जाएगा, या फिर मतलब कह लीजिए आपका ऑर्डर जो है क्लोज हो जाएगा। लिक्विडेट नहीं भाई, वो अलग शब्द हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमको ये ट्रेड को क्लोज कैसे करना है। तो क्लोज करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लोज वाई यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना परसेंट करना चाहते हैं, 100%, 75%, जितना भी निकालना चाहते हैं वो डाल करके यहाँ पे कन्फर्म पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसी टाइप से आप लोग यहाँ पे सेल शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया प्राइस, उसके बाद फिर सेल शॉर्ट पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर कन्फर्म पर मैं क्लिक करूँगा, हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद फिर सेम वैसे ही पूरा। अब इसमें बस यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर होगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे ऊपर जैसे दिखा रहे थे, जैसे भाई प्राइस हमारा ऊपर जा रहा था तब हमारा प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे ना प्रॉफिट दिखा रहे थे, बट इसमें क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइस नीचे जा रहा होगा, ठीक है भाई, जैसे 650 पे मैंने लिया है, अब यहाँ पे 648-47 में डालूंगा तो प्रॉफिट में दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट में दिखा रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला जा रहा है, ऊपर वाला जो प्राइस है, अगर यहाँ पे 651-652 कर देता हूँ, 652 कर देता हूँ, तो यहाँ पे इतना लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे इतना दिखा रहा है, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप का पूरा प्रोसेस है, मैंने पूरा आप लोग को बता दिया कैसे कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे, कैसे कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस। फिर भी अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और भाई अगली वीडियो किस टॉपिक पे होने चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे तैयारी करने में या फिर वीडियो बनाने में अच्छी हेल्प हो पाएगी, ओके। और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटे कॉल पे क्लिक करके, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ, आप यहाँ पर सीखते रहें, समझते रहें और पैसे कमाते रहें।
वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।